हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हम हमारी डिस्कशन की तरफ। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। और आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली बाबा कल्याणी कमेटी के बारे में। तो बाबा कल्याणी जो लेट कमेटी है इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है यह कमेटी और क्या इसके इफेक्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है और थर्डली इम्पोर्टेंट भी हो जाती है। यूपीएससी कमेटी के बारे में आपको पता है क्वेश्चंस पूछती ही रहती है बेसिकली। तो देखो, जो बाबा कल्याणी कमेटी है ये बेसिकली बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हमारे देश में जो SEZ पॉलिसी है, या बोल सकते हैं जिसको हम बोले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो पॉलिसी लाई गई थी, इसकी स्टडी के लिए बनाई गई थी कि भाई उनके बारे में कैसा क्या काम करना है। तो आपको प्रीलिम्स के नज़र से एक तो ये ध्यान रखना है कि बाबा कल्याणी कमेटी है वो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में स्थापित करने के लिए आई थी। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा फैक्ट की तरफ आगे चलते हैं, थोड़ा इस पूर्व को अच्छे से डिस्कस करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो होते क्या हैं। पहली बात तो ये है, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे देश में ऐसे एरिया, ऐसे जोन, आप बोल एक तरीके से बोले कि ऐसे क्षेत्र स्थापित करना जहाँ पे हमारे देश में जो फॉरेन की कंपनी है उनको एक तरीके से इनवाइट किया जाए, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जाए, एक ऐसा एरिया हो, एक ऐसी कॉलोनी बनाई जाए जहाँ पे क्या है कि फॉरेन की कंपनीज है वो आके इन्वेस्ट कर सकें, अपने ऑफिस वगैरह खोल सकें और इंडिया में अपना बिजनेस है वो स्थापित कर सकें। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताऊं कि बेंगलुरु के अंदर बनाया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि फॉरेन की कंपनीज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि जो और भी बड़ी बड़ी कंपनियां से माइक्रोसॉफ्ट हुई, गूगल हुई, तो ये अपने वहाँ पे ऑफिस खोलती हैं, कर्मचारियों को जॉब वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया की गवर्नमेंट उनके लिए, इंडिया की गवर्नमेंट उनको टैक्स में इंसेंटिव छूट वगैरह देती है ताकि फॉरेन की कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें। तो एक तरीके से ऐसे एरियाज बनाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गुरुग्राम हुआ, नोएडा वाला एरिया हुआ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो तैयार किए गए हैं जिनका मेन मोटो ये है कि हमारे देश में बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो आ सके, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए इन्वेस्ट करें तो इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, नई स्किल्स मिलेंगी, ये सब बेनिफिट होंगे। इसी के साथ ही गवर्नमेंट का प्लान ये रखा गया है कि भाई जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अगर ये इंडिया में तैयार होते हैं तो इसकी हेल्प से हम लगभग 100 मिलियन जॉब हैं वो तैयार करेंगे। इसी के साथ ही हमारे देश की जो GDP है इसके अंदर जो मैन्युफैक्चर सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको 25% तक हम लेके जाएंगे। मतलब हमारे देश की GDP में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है इसका योगदान 25% से ज़्यादा होना चाहिए कब, 2022 तक। ये गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया है और इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम उसको काफ़ी गति दी गई है। तो ये बेसिकली हमें फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। अब हम बात करें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनके बेनिफिट क्या होते हैं। इसके लिए देखो गवर्नमेंट एक्ट भी लेके आई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। इसका मेन मोटो यही था कि हमारे देश में जो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको डेवलप करना, उसको क्रिएट करना। इसके साथ ही प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, मतलब जो हमारे देश की गुड्स हैं, सर्विसेज सेक्टर हैं, इनको एक्सपोर्ट करना। इसके साथ ही हमारे देश में इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करना, डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्स हैं उनके द्वारा एक तरीके से FDI है वो हमारे देश में आ सके। इसी के साथ ही हमारे देश में जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट की जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप की जाएंगी। क्योंकि देखो अगर कोई कंपनी इंडिया में आके अगर अपना ऑफिस खोल रही है इसका मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करेगी, तभी तो बेचारा अपना ऑफिस खोल पाएगी वो। और इसीलिए इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो ये थी हमने देखा कि बाबा कल्याणी कमेटी वो किससे रिलेटेड है। तो अभी ये सुर्खियों में थी तो इसको लेकर आर्टिकल वो आया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मयूरभंज छऊ के बारे में। देखो मैं आपको बता दूं कि छऊ डांस है वो बेसिकली आपको पता है कि 3 तरह का होता है। एक तो होता है बंगाल का छऊ डांस है, एक है झारखंड का, एक है उड़ीसा का। बंगाल के जो छऊ डांस है इसको बोला जाता है बेसिकली पुरिलिया छऊ डांस, और झारखंड के जो छऊ डांस है इसको बोला जाता है बेसिकली सरायकलाई छऊ डांस, और जो उड़ीसा का डांस है छऊ डांस उसको बोला जाता है बेसिकली मयूरभंज छऊ डांस। अब देखो इसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन है वो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जो ये डांस है ना तीनों ही छऊ डांस के जो तीनों टाइप हैं बेसिकली, इसमें जो वेस्ट बंगाल और जो झारखंड वाला छऊ डांस है ना इनमें तो क्या है कि मुंह पे मुखौटा मास्क लगा के डांस है वो किया जाता है, और जबकि उड़ीसा का जो मयूरभंज छऊ डांस है इसमें मुंह पे मुखौटा नहीं लगाया जाता। तो एक तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है कि उड़ीसा वाला जो मयूरभंज छऊ डांस है इसमें मुंह पे मुखौटा नहीं लगाया जाता लकड़ी का, और बाकी जो पुरिलिया छऊ डांस है और जो यहाँ पे सरायकलाई छऊ डांस है इन दोनों में मुँह पे मास्क का मुखौटा है वो लगाया जाता है लकड़ी का बेसिकली। तो ये एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही जो
वेस्ट बंगाल का पुरुलिया छऊ डांस है ना, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि मुंह पे मास्क लगा के डांस किया जाता है, उस मास्क को जीआई टैग है वो दिया गया था, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वेस्ट बंगाल का जो पुरुलिया छऊ डांस है, इसका जो मास्क है इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसके साथ ही मयूरभंज छऊ डांस है इसमें मुंह पे मुखौटा वगैरह नहीं लगाया जाता है, और सरायकलाई छऊ डांस में भी मुंह पे मुखौटा लगाया जाता है बट इसको भी जीआई टैग नहीं दिया गया है। तो ये कुछ तीन चार फैक्ट हैं जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली मयूरभंज छऊ डांस के बारे में। तो मयूरभंज जो छऊ डांस है वो बेसिकली उड़ीसा की ट्राइब है उनके द्वारा ओरिजिनेट है, वहाँ से ओरिजिन है वो उसका हुआ हुआ है। उड़ीसा में देखो एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली मयूरभंज, वहाँ से इसका ओरिजिन है वो हुआ था, और लगभग 18वीं शताब्दी में एक तरीके से जो मयूरभंज छऊ डांस है वो उड़ीसा में स्थान है स्टार्ट है वो हुआ था। इसके साथ ही 19वीं सेंचुरी में उड़ीसा का जो मयूरभंज छऊ डांस है इसको मार्शल आर्ट का दर्जा है वो दिया गया था, ये भी यूपीएससी पूछ सकती है। और जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको बताया कि जो सरायकलई और पुरुलिया जो डांस है छऊ डांस, इसमें मुंह पे मास्क लगाया जाता है, जबकि मयूरभंज जो छऊ डांस है इसमें कोई भी मुखौटा नहीं लगाया जाता, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो उड़ीसा का मयूरभंज छऊ डांस है वो कुछ इस तरीके का है वो होता है, तो ये मार्शल आर्ट भी है, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा या बोलते तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसको प्रमोट है वो किया गया है, इसको एक तरीके से प्रमोशन अप्रूवल है वो दिया गया है। तो बेसिकली देखो ये आर्टिकल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह क्या हैं जो हमारे लिए थोड़ा बहुत काम है वो आ सकती हैं। तो देखो इसका मोटा मोटा जो मोटो एक तो ये है कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना इसको डबल किया जाए। अभी हमारे देश में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो है लगभग 30 बिलियन डॉलर की बात है, 30 बिलियन डॉलर का अभी एक्सपोर्ट होता है हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको 60 बिलियन डॉलर किया जाए, और इसी के साथ 2022 तक गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसको 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाया जाए 2022 तक, ये कुछ इसके टारगेट हैं वो रखे गए हैं। इसके साथ इसका एक टारगेट ये है कि हमारे देश में से जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है इनका एक्सपोर्ट होता है इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। देखो डाइवर्सिफाई करने का मतलब आपको दो तीन तरीके से आपको बता दूं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लो कि इंडिया है, एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ, इंडिया है वो चावल का एक्सपोर्ट करता है ये मान लो कि ईरान को और यूएसए को। अब इंडिया ये मान लो केवल दो ही कंट्रीज को बेसिकली कर रहा है, तो एक तो इंडिया को इसमें डाइवर्सिफाई ये करना चाहिए कि केवल दो ही कंट्री को नहीं बाकी अदर कंट्रीज में भी जहाँ जरूरत है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट है वो करें। इसका फायदा क्या होगा, बाय चांस ये मान लो कि फ्यूचर में अगर इंडिया की रिलेशन या कोई भी ऐसा इश्यू हो जाए कि यूएसए इंडिया से चावल ना खरीदे या फिर ईरान चावल ना खरीदे तो इंडिया को लॉस ना हो, एक तो इसलिए इंडिया का जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। दूसरा डाइवर्सिफाई कैसे होना चाहिए कि इंडिया ऐसा नहीं कि अकेला चावल का एक्सपोर्ट करे, इंडिया को चावल के साथ अर्जेंट जो भी फोकस करना चाहिए। मान लो बाय चांस अगर इंडिया इंटरनेशनल मान लिया मार्केट में चावल की डिमांड ही ना हो तो इंडिया का तो वेस्ट हो जाएगा ना पूरा बिजनेस ही, इसलिए अगर इंडिया चावल की जगह जो बेच रहा हो या फिर और भी आइटम आप ले सकते हो ओट्स की तरह जैसे कि गेहूं बेच रहा हो तो इंडिया का मार्केट है क्या है, दूसरी चीज़ों को बेच के अपने पैसे है वो कमा सकता है। तो इस तरीके से अपने जो डाइवर्सिफाई है मतलब ट्रेड को वो करना एक्सपोर्ट को। और काम क्या है, और काम यह है कि हमारे देश की जो इंडिजिनस मतलब स्वदेशी और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल हैं जो हमारे देश में पाई जाती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको बेसिकली प्रमोट है वो किया जाए, और उनको प्रमोट के साथ साथ उनको एक्सपोर्ट भी बूस्ट है वो किया जाए। इसके साथ ही देखो जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करनी है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 2022 होते ही सरकार है किसानों के खातों में डबल पैसे भेज दे कि हाँ भाई ठीक है आपको गेहूँ के 1000 की जगह 2000 रुपये मिलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि किसानों को कुछ इंसेंटिव देना होगा, जैसे कि किसानों को कुछ प्रोग्राम चलाने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जो किसान है वो अपने फार्मिंग के साथ साथ पशुधन को भी प्रमोट करें, अपने साथ जो कुटीर उद्योग हैं मत्स्य पालन है या फिर मुर्गी पालन है या फिर मधुमक्खी पालन है इस तरीके के प्रोडक्ट के थ्रू अपनी इनकम है वो बढ़ा सकें। तो इस तरीके के प्रोग्राम में गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगी, इसके साथ ही एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में वो तैयार की जा सकें। तो ये कुछ बेसिकली हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में फैक्ट हैं वो जाने। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एक्साइज हैंड इन हैंड। देखो एक्साइज हैंड इन हैंड एक्साइज है वो बेसिकली इंडिया और चाइना की आर्मी एक्साइज है, तो यह भी इसका एनुअली इसको ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है, बट यह फैक्ट ध्यान में रखना है कि 2017 में एक्साइज हैंड इन हैंड है वो आयोजित नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर डोकलाम का काफ़ी बड़ा इशू हो गया था और उस मौके पर बेसिकली दोनों देशों के बीच में लगभग 70 दिन तक टेंशन रही थी, और इसकी वजह से हैंड इन हैंड एक्साइज है वो आयोजित नहीं हुई थी।
2016 में हम बात करें हैंड इन एक्ट हैंड एक्सरसाइज की, तो वो बेसिकली इंडिया के पुणे में आयोजित है, वो की गई थी, और इस बार अभी इसका जो एडिशन है वो आयोजित किया जाना है, तो इसको लेके न्यूज है वो आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली साहित्य अकेडमी अवार्ड को लेके। तो देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, वो नाम से पता चल रहा है कि लिटरेचर से रिलेटेड है, तो बेसिकली एक लिटरेचर ऑनर है या लिटरेचर का एक सम्मान है उसके तौर पर इसका यूज है, वो किया जाता है। इंडिया के जो राइटर्स हैं उनको या फिर जिन्होंने अपना काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया साहित्य के क्षेत्र में उनको बेसिकली अवार्ड है वो दिया जाता है। ये जो अवार्ड है बेसिकली 1954 में इसको स्थापित है वो किया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट यह ध्यान रखना कि देखो जो हमारे देश की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं केवल उन्हीं के लिए अवार्ड नहीं दिया जाता, इसके अलावा भी यह अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि राजस्थानी लैंग्वेज हुई या फिर और भी जो लैंग्वेज है हमारे देश की उनके लिए बेसिकली साहित्य अकेदमी अवार्ड है वो दिया जाता है। तो यूपीएससी एक तो ये पूछ सकती है कि यह जो अवार्ड है वो बेसिकली हमारे देश के जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं उनके लिए ही दिया जाता है, तो भाई ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी जो इंडियन लैंग्वेज हैं और उनके लिए अगर कोई किसी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क किया, कुछ एक्स्ट्रा काम है, तो उनको बेसिकली अवार्ड से नवाजा जाता है। अब इस अवार्ड में होता क्या है, इस अवार्ड में देखो 1,00,000 रुपये का चेक मिलता है, इसके साथ ही बेसिकली कॉपर की प्लेट है वो दी जाती है और एक शॉल है उसके द्वारा सम्मानित है वो किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं साहित्य अकेदमी अवार्ड के बारे में, तो थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट है क्या, क्यों अभी ये न्यूज़ में आया है। देखो बेसिकली अभी रिसेंटली NCCR यानी कि नेशनल सेंटर ऑफ कोस्टल रिसर्च है उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, किसकी रिपोर्ट, हमारे देश में जो बीच हैं उनका जो पॉल्यूशन है इसके बारे में, मतलब हमारे देश के जो कोस्टल एरियाज में बीच है ना उनके पॉल्यूशन को लेकर भी रिपोर्ट पब्लिश की गई है NCCR के द्वारा। और इस रिपोर्ट में आपको पता है क्या आना था, एज यूजल कि हमारे देश के जो बीच हैं वो काफ़ी पोल्यूटेड हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक है और बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध वाला माहौल है, तो कौन कौन से बीच की कहना था वो तो UPSC पूछेगी नहीं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट की ज़रूरत है वो क्या पड़ी। तो देखो अभी रिसेंटली जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कुछ रिसर्चर्स हैं, कुछ थिंक टैंक हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को नेशनल मेरीटाइम लेटर पॉलिसी है वो लेके आनी चाहिए। इससे होगा क्या, इस पॉलिसी से बेसिकली हमारे देश के अंदर जो बीच है, मरीन इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वहाँ पे प्लास्टिक को बैन करके कुछ रेगुलेशन लगा के और जो प्लास्टिक कचरा फैल रहा है और भी तरह का वेस्ट हो रहा है उसको रेगुलेट है वो किया जा सकता है। मतलब एक पॉलिसी होनी चाहिए प्रॉपर कि भाई समुद्र में पानी में आप कचरा नहीं फेंक सकते, नदी नालों का गंदा पानी नहीं बहा सकते, इस तरीके के लिए बेसिकली पॉलिसी की बात है वो की गई है। इसके साथ ही ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट है इसको बीच पे स्टार्ट करने की बात है वो की गई है। देखो जो ब्लू फ्लैग है ना यह बेसिकली एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल अवार्ड है, मतलब एक तरीके से जो बीच होते हैं ना उनके लिए अवार्ड है। जिस तरीके से आपको बताऊं जैसे होता है ना कि रेस्टोरेंट में 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होते हैं, उसी तरीके से बीच के ऊपर एक तरीके से लेबल लगाया जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा, अगर जिस भी बीच के ऊपर ब्लू स्टार का लेबल लगा इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह है वो नहीं है, उसको रेगुलेट है वो क्या गया, इसकी जो गाइडलाइंस हैं कि भाई जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किए हैं, इसी के बाद ही ब्लू फ्लैग का स्टेटस है वो उस बीच को मिलेगा। तो इसमें जो इन्वायरमेंट सेफ्टी है उसको फोकस है वो किया जाएगा, इसके साथ ही मेरीटाइम सिक्योरिटी को भी देखा जाएगा। अब हम देखते हैं इसके और फीचर। देखो बेसिकली जो ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था दिसंबर 2017 में, बट इसको अभी तक इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोजेक्ट है वो लाया गया था। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे देश में जो बीच है ना उनको क्लीन रखा जा सके, और जो बेसिक एनिमेशन आप हो सकते हो कि बेसिक एनिमेशन हो गया, जिस तरीके से हम बात करें कि टॉयलेट हो गया या फिर वहाँ पर डस्टबिन वगैरह की फैसिलिटी है उनको डेवलप है वो किया जा सके। इसी के साथ ही इसमें होगा कि इस ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट में ये होगा कि जो हम हमारे देश की यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट है उसको बेसिकली कहा जाएगा कि भाई आप एक बीच को इलेक्ट कीजिए और उसको फंडिंग दी जाएगी इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत, और उस फंडिंग से उस बीच को डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे पॉल्यूशन फ्री उसको तैयार है वो किया जाएगा। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट में क्या होता है कि 33 गाइडलाइंस हैं इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म रिलेटेड कंडीशंस हैं कि आप उन कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहे हो तो आपके बीच को एक तरीके से ब्लू फ्लैग का टैग दे दिया जाएगा, और इससे वहाँ पे टूरिज्म है वो प्रमोट होगा और एक तरीके से इन्वायरमेंट भी साफ है वो रहेगा। और ये जो ब्लू फ्लैग प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है यह स्टार्ट किया गया था 1985 में फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, जो कि कोपेनहेग बेस्ड है। तो कोपेनहेग बेस्ड का एक फाउंडेशन है जिसका नाम है इन्वायरमेंट एजुकेशन FEE, इसके द्वारा 1985 में स्टार्ट किया गया था और इंडिया की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंडिया में इंप्लीमेंट करने की बात है वो कही है।
जैसे कि जो 33 गाइडलाइन है उसमें कुछ गाइडलाइन इस प्रकार हैं कि बीच के ऊपर प्लास्टिक का यूज है वो नहीं होगा, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो फोकस किया जाएगा, इसके साथ ही बीच के ऊपर जो नेट वगैरह मछली का कूड़ा करके रहता है उसको वहाँ से हटाया जाएगा, इस तरीके के बेसिक फीचर्स हैं उनको अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो वहाँ के बीच को एक तरीके से ब्लू फ्लेग का दर्जा है वो दिया जाएगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।